हामिद मीर ने कश्मीर की महिला अलगाववादी से हमदर्दी जताई। उन्होंने महिला के एक पैगाम का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया, कहा कि आंसुओं से भरा ये संदेश आजादी की मांग में जुटा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसी पर उन्हें थो डाला। लोगों ने जमकर उन्हें ट्रॉल किया, हैरानी जताते हुए कहा, सारी उम्र बिता दो, कश्मीर हिंदुस्तान का है, क्यों किसी देश से उसकी जगह लेनी है, बलूचिस्तान पर तरस खाओ। एक अन्य ट्विटर यूजर बोले, सर इससे पहले कि बलूचिस्तान के हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएं, आप उनकी चिंता करें। हामिद मीर ने इस बाबत रविवार यानी 1 अप्रैल की रात ये ट्वीट किया, लिखा, आंसुओं से भरा और आजादी के लिए प्यार से भरा एक संदेश। ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो में भी अपलोड किया था। 1 मिनट 32 सेकंड के क्लिप में बैकग्राउंड में एक रोती महिला बोल रही थी, उसकी तस्वीर साथ दिखाई जा रही थी। महिला कह रही थी, उन्हें बता दें कि आज कश्मीर की क्या हालत है, लोग लाशें गिन रहे हैं, कश्मीर की मस्जिदों में पड़ोसी देश के राष्ट्रगान बज रहे हैं, इसीलिए उन्हें कह दें कि आज काला दिवस घोषित कर दिया जाए, लोग लाशें गिन रहे हैं, कश्मीर की मस्जिदों में पड़ोसी देश के तराने बज रहे हैं, इसलिए उन्हें कह दें कि पड़ोसी देश में काला दिवस घोषित कर दिया जाए, ऐसे दिखाया जाए कि कश्मीरी मुस्लिमों में 7 वो पड़ोसी देश हैं। कब तक मरेंगे लोग यहाँ, कब तक लूटेंगे इस्लाम के नाम पर, ऐसे में आप ये पैगाम पहुँचा दें हर जगह, उन्हें कह दीजिए कि कश्मीर के लोग आपकी ओर देख रहे हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।